आचार्य बालकृष्ण का दावा है कि पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने में सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने इस दवा से 1000 से ज़्यादा लोगों के ठीक होने की बात भी कही है। आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया कि अलग अलग जगह पर कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों को यह दवा दी गई, जिसमें से 80% लोग ठीक हो चुके हैं। जौनपुर में दलितों के घर फूंके जाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने मुख्य आरोपी नूर आलम और जावेद सिद्दीकी समेत सभी आरोपियों पर तत्काल NSA लगाने का आदेश दिया है। साथ ही थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित दलितों को तत्काल आवास देने का निर्देश जारी किया गया है। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में दो वर्गों में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उसके द्वारा हत्या की साजिश रचकर बवाल को फिर से हवा देने का ऑडियो वायरल होने से वह पकड़ में आ गया। आरोपी हरिकेश ने बताया कि अपने को बिरादरी की राजनीति में स्थापित करने के मकसद से उसने दो पक्षों में हुए विवाद को हिंसक स्वरूप दिया था। स्वामी विद्या चैतन्य को अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद का प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बुधवार को अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अरेल स्थित प्रधान कार्यालय दंडी स्वामी आश्रय में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जल्द शुरू होने वाले कैंपस प्लेसमेंट के लिए 31 कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है। ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन होगा। पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इंटरव्यू होना था। आजमगढ़ जिला में एक मामूली बात पर कहा सुनी के बाद मुस्लिमों ने एक हिंदू के घर पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से किए गए हमले में 12 से अधिक लोग घायल हो गए। मामले में 10 अज्ञात सहित 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 2 जुलाई को भव्य राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर कयासों के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपनी भी इच्छा जाहिर की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अगर PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होता तो साधु संतों को अत्यधिक प्रसन्नता होगी।